हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं अमेंडमेंट, यानी जो चेंजेस हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किए हैं इस साल के लिए। ये टोटल 24 बेनिफिट 115 बक, 115 बक जो ऑप्ट करेगा कि मैं नए स्लैब रेट से टैक्स दूंगा, उनसे छीन लिए गए हैं। लेकिन ये 24 के 24 बेनिफिट उनको मिलते रहेंगे जो पुराने स्लैब रेट से चल रहे हैं, जो पुराने स्लैब रेट को ऑप्ट करने वाले हैं, 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से अबव वाले पे। तो सर, अगर मैं 115 बक BAC को फॉलो करता हूं तो सर मुझसे ये बेनिफिट छीन लिए जाएंगे। लेकिन ये बेनिफिट जो अभी आपने सिर्फ नाम गिनाए हैं, अभी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे ना, याद कैसे करें? तो दोस्तों, इनको याद करने के लिए मैं इतनी शानदार सीक्रेट कोड लेके आया हूं, और वो सीक्रेट कोड है ये। तो दोस्तों, ये 24 के 24 पॉइंट मैं आपको बचपन की यादों से याद करा दूंगा। बचपन में सीखते थे ना ABCD, ABCDEFG, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, नाम नन्ना। आज मैं आपको नई ABCD सिखाने वाला हूं, और ये ABCD Z तक आप याद कर लेंगे, समझ लेना सारे के सारे पॉइंट आपको याद हो गए, जो 115 BAC को बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो सारे पॉइंट ध्यान से याद करेंगे, नोट करेंगे। सीक्रेट कोड आपको ये रहा। ए से क्या बनेगा सर? ए से बनेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, हमारे नोट्स का पॉइंट नंबर 9, राइट। बी से क्या बनेगा सर? बी से बनेगा बिजनेस स्पेसिफाइड। ध्यान से, आराम आराम से नोट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिजनेस स्पेसिफाइड सर हमारे नोट्स का पॉइंट नंबर 17। सी से क्या बनेगा सर? सी से बनेगा सर कंपनी को डोनेशन। कंपनी जो क्या करती है? साइंटिफिक रिसर्च करती है। कंपनी को डोनेशन यानी कंपनी को दान देंगे, फॉर किसके लिए? फॉर साइंटिफिक रिसर्च। मैं SR लिख रहा हूं, कंपनी को डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, हमारे नोट्स में पॉइंट नंबर 14, ठीक है। साथ साथ नोट करते जाएंगे। डी से क्या बनेगा सर? डिडक्शंस, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C 280U। सर हमारे नोट्स में कौन सा पॉइंट है? सर हमारे नोट्स में पॉइंट नंबर 20, राइट। ई से क्या बनेगा सर? ई से बनेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस ये सब क्या होते हैं, क्या नहीं होते, जब इन चैप्टर्स पे पहुंचेंगे तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिलहाल इनके नाम याद करने हैं सर, फिलहाल 115 BAC को समझने के लिए करना है, इनके नाम याद करने हैं सर। हमारे नोट्स में सर एंटरटेनमेंट अलाउंस पॉइंट नंबर 6, राइट। एफ से क्या बनेगा सर? फैमिली पेंशन। क्या बनेगा सर? फैमिली पेंशन, मजा ही आ गया सर, हमारे नोट्स का पॉइंट नंबर 19। सर जी से क्या बनेगा? जी से बनेगा सर घर का लॉस, घर मतलब हाउस प्रॉपर्टी, घर का लॉस सर हमारे नोट्स का पॉइंट नंबर 22। एच से क्या बनेगा सर? एच से बनेगा हाउस रेंट अलाउंस। फिलहाल नाम याद करेंगे, HRA, हाउस रेंट अलाउंस सर हमारे नोट्स का पॉइंट नंबर 2, राइट। आई से क्या बनेगा सर? आई से बनेगा सर इन्वेस्टमेंट अलाउंस, इन्वेस्टमेंट अलाउंस सर, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, मजा आ गया सर, हमारे नोट्स का पॉइंट नंबर 10। जे से क्या बनेगा? बहुत ध्यान से सुनना, जे से जैसे अर्ल कपूर डाला होगा ना, झकास, क्या बात कही, झकास। तो भैया जे से बनाया मैंने बहुत ही मजेदार झकास। और हमारे देश में झकास चीज पता है क्या है? IIT। भैया IIT में चले गए सुंदर पिचाई, है ना, राइट। गूगल के CEO, 1700 करोड़ का पैकेज IIT दिल्ली से पड़े हुए हैं। तो झकास झकास है हमारे देश में IIT, और जो हमारे देश की सेवाएं कर रही है नेशनल लेबोरेटरी। तो झकास IIT और झकास लैब को अगर आप दान देंगे, झकास IIT और झकास लैब को अगर आप दान देंगे तो आपको 115 BAC में फायदा नहीं मिलेगा, आपको ये बेनिफिट नहीं उठाना अगर आप 115 BAC से टैक्स पे करने वाले हैं, पॉइंट नंबर 16, राइट। सर उसके बाद सर के से क्या बनने वाला है? के से बनता है सर खेती।
किसान क्या करता है सर? खेती करता है। खेती करता है तो इंग्लिश में खेती को क्या बोलते हैं सर? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले 115 बक को। तो सर ये हमारे नोट्स में पॉइंट नंबर 18। एल से क्या बनेगा सर? एल से बनेगा LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन। पढ़ेंगे जब इस चैप्टर पे आएंगे लीव ट्रेवल, छुट्टी के लिए अगर आप ट्रेवलिंग पे जाते हैं उनमें जो बेनिफिट्स देंगे वो आपको नहीं मिलने वाले हमारे नोट्स का पॉइंट नंबर 1। सर एम से क्या बनेगा सर? एम से साथ साथ देखते जाए माइनर चाइल्ड। ठीक है सर, माइनर चाइल्ड आप जानते हैं माइनर चाइल्ड पे जो इनकम टैक्स पे बेनिफिट होता है वो नहीं मिलने वाला पॉइंट नंबर 4। वाह सर क्या चीज है, जबरदस्त मजा आ गया सर। आगे पढ़िए ABCD को। एन से क्या बनेगा सर? एन से बनेगा सर नेताजी। नेताजी, नेताजी कौन होते हैं? जो MP और MLA पार्लियामेंट में बैठे हैं और है ना राइट, देश के विकास के लिए कुछ ना कुछ जरूर ही कर रहे होंगे। हमारे नोट्स में कहाँ आते हैं नेताजी? पॉइंट नंबर 7। ओ से क्या बनेगा? ओ से पता क्या होता है? जैसे ओ माई गॉड, ऐसे अगर एक दिन लॉस आया एक बंदे को बिजनेस में, उसने पता क्या बोला? ओ माई लॉस। क्या बोला सर? ओ माई लॉस। ओ से बनेगा ओ माई लॉस सर। ओ माई लॉस मतलब हमारे नोट्स का पॉइंट नंबर 21। मजा आ गया सर। पी से क्या बनने वाला है सर? ध्यान से देखेंगे पी से क्या बनने वाला है सर। पी से बनेगा प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स हमारे नोट्स का पॉइंट नंबर 6। ठीक है, 6 पॉइंट में मैंने तीन चीजें दी हैं, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस यहां आ गई और एक प्रोफेशनल टैक्स यहां आ गया। मजा आ गया सर, मजा आ गया। आगे बताइए सर क्यू से क्या बनेगा? ठीक है, एक बंदे ने घर बनाया और घर में उसका लॉस हो गया, तो उसने चीख चीख के बोला क्यों 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 है ना मेरे घर में इंटरेस्ट, क्यों है मेरे घर पे इंटरेस्ट, क्यों है घर पर इंटरेस्ट। उसने जो घर बनाया सर, वो घर जो बना वो बना लोन पर, लोन पर बना तो बैंक क्या दे रहा है? ब्याज। तो उसको कैसे याद करेंगे? क्यों है मेरे घर पर ब्याज, क्यों है मेरे घर पर इंटरेस्ट, यानी कि क्यों है घर पर इंटरेस्ट, यानी कि हमारे नोट्स में पॉइंट नंबर क्यू का क्या बनने वाला सर? पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, यानी इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी। मजा आ सर। आर से क्या बनेगा? आर से बनेगा रिसर्च एसोसिएशन। ध्यान से लिखना रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है ना, जितनी भी एसोसिएशंस होती हैं उनको हम क्या देते हैं? रिसर्च करने के लिए दान। पढ़ेंगे जब पहुंचेंगे चैप्टर पे है ना, रिसर्च एसोसिएशन को दान। हमारे नोट्स का पॉइंट नंबर 13। मजा ही आ गया सर। अगला सर, अगला अगला पॉइंट देखते हैं क्या होता है सर। एस से क्या बनेगा? एस से बनेगा सोशल साइंस एंड स्टैटिकल रिसर्च। सोशल साइंस की या फिर स्टैट्स की रिसर्च अगर कोई करता है तो हम उसे एस पॉइंट में ले जाएंगे और हमारा बनेगा पॉइंट नंबर 15 नोट्स में। टी से क्या बनने वाला है सर? टी से चाय कॉफी। टी कॉफी सर, टी कॉफी हमारे नोट्स का पॉइंट नंबर 11। सर यू से क्या बनने वाला है सर? यू से ध्यान से देखेंगे सर, यू से बनेगा सर हमारा बहुत ही यूनिक, मजा ही आ जाएगा जब पढ़ोगे। बिल्कुल यूनिक अलाउंस है, या यूनिक हम बोल सकते हैं स्पेशल। यूनिक अलाउंस यानी कि स्पेशल अलाउंस, तो वो यूनिक अलाउंस किसमें कवर है सर? हमारे पॉइंट नंबर 3 में कवर है। मजा आ गया सर। वी से क्या बनेगा? अगर भैया आपके पिताजी जॉब करते हैं, जैसे मेरे पिताजी भी जॉब करते हैं, तो पता क्या बोलते हैं? यार इस महीने का वेतन आएगा तब मैं ये खर्चा कर पाऊंगा। तो वी से, हमारे घर में सैलरी नहीं बोलते, हमारे घर में हिंदी में चलता है वेतन। तो भैया वी से क्या बनेगा? वेतन। जब कोई वेतन कमाता है यानी सैलरी कमाता है तो वेतन में क्या मिलता है? 50,000 का बेनिफिट मिलता है राइट। तो वी से क्या लिखेंगे? वेतन के 50,000। वेतन के 50,000 जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगी भाई 50,000 क्या है, लेकिन फिलहाल हमें याद करना है बस 115 BAC का कोड याद करना है, वेतन के 50,000। पॉइंट नंबर 6 राइट। डब्ल्यू से क्या बनेगा? डब्ल्यू से बनेगा वाह। वाह ताज की तरह, वाह सर वाह। ठीक है सर, सर वाह क्या बात है, वाह सर क्या वाह, और क्या वाहवाही करनी है। वाह SEZ, यानी कि SEZ आपको पता ही है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। SEZ एक ऐसी जगह होती है जहां हम बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट देती है, जैसे टैक्स वगैरह नहीं देती राइट। तो W से लिखेंगे वाह SEZ। X से क्या आएगा?
एक्स से तो मतलब कांटा लग रहा है, तो एक्स से हम भी कांटा लगा देंगे, यानी एक्स से कुछ भी नहीं है, एक्स के आगे एक्स एक्स। सर मुझे एक्स की बहुत याद आती है। अगर तुम्हें एक्स की बहुत याद आती है तो यहाँ भी हम एक्स 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 लगाएंगे, क्योंकि एक्स से अब कुछ नहीं है, एक्स भी एक्स हो गई है, इसलिए एक्स से कुछ भी नहीं है। यहाँ भी एक्स क्या है, एक्स हो चुका है, उसको याद करना बेकार है ना। एक्स अब किसी और की वाई बन चुकी है, इसलिए यहाँ ध्यान दो। वाई से क्या बनेगा सर, वाई से बनेगा वाई। वाई सर वो किसी और की वाई क्यों बन चुकी है, वाई वाई वाई, तो वाई से याद करेंगे वाई वाई साइट रेस्टोरेशन, वाई साइट रेस्टोरेशन। हमारे नोट्स का साइट रेस्टो का सर, हमारे नोट्स का पॉइंट नंबर 12, राइट। वाई साइट रेस्टोरेशन, वाई साइट रेस्टोरेशन। और सर आखिर में जेड से क्या बनेगा, जेड से पता क्या बनेगा, अब तुम्हें इतना सीक्रेट कोड, इतना बड़ा सीक्रेट कोड मैंने याद करा दिया, सारे के सारे 24 के 24 पॉइंट मैं तुम्हें याद करा चुका हूँ, कम से कम थोड़ी तारीफ तो करोगे मेरी। तो आप क्या बोलोगे, जबरदस्त सर जबरदस्त है। तो जेड से पता क्या बनेगा, जेड से कुछ भी नहीं है, जेड से बनेगा सर सर जबरदस्त है आप, ठीक है ना, जबरदस्त है सर आप, राइट सर आप बिल्कुल जबरदस्त है, सीक्रेट कोड। और दोस्तों बिल्कुल सच बता रहा हूँ, कसम माँ भवानी की बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी का सबसे टफ जो सीक्रेट कोड्स मैंने बनाए उनमें से है कि सारे के सारे पॉइंट को क्लब करो, सारे के सारे पॉइंट्स को दिमाग में फिट करो, और फिर उन सबको ए बी सी डी में फिट करना, ताकि मैं ए से लेकर जेड तक सारे पॉइंट आपको याद करा सकूं, ए बी सी डी में फिट करना। ये मेरी लाइफ का और अब तक का वन ऑफ द टफेस्ट सीक्रेट कोड है, जिसमें मेरे कई घंटे लगे हैं, लिटरली कई घंटे लगे हैं मैंने इनको अरेंज करने में और बनाने में। तो उम्मीद है आपको ये मेहनत और आपको ये सीक्रेट कोड बिल्कुल पसंद आया होगा, राइट। इन्हें आप अपने पास रखिए, याद कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि किसी भी बड़े एग्जाम को क्लियर करने के लिए सर हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है, और वो आप कर ही रहे हैं, पर उससे भी जरूरी क्या है सर, उससे भी जरूरी है स्मार्ट वर्क, राइट। उससे भी जरूरी क्या है सर, स्मार्ट वर्क। और ये मेरा स्मार्ट वर्क है जो मैं आपके लिए देता हूं, कि हार्ड वर्क के साथ साथ आप इतना स्मार्ट वर्क कीजिए कि एग्जाम में हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करे पूरे वैसे पूरे नंबर। तो हार्ड वर्क के साथ जब आप स्मार्ट वर्क को ऐड करते हैं तो आप बनते हैं एक टॉपर, आप आते हैं टॉपर की श्रेणी में, राइट। तो वो स्मार्ट वर्क टेक्स्ट में मैं आपको करके दूंगा, बिल्कुल इसी तरीके से जो आपके नोट्स में और जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, राइट। तो उम्मीद है आपको ये सेक्शन 115 BAC समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक दुआओं में।